नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी चरम पर है। पढ़ाई छोड़कर बच्चों से तमाम चीज़ें मंगवाई जा रही हैं। जो प्रधानाध्यापिका हैं उनके जो पति हैं वो भी पूरे हनक में दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। नगर क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा कॉलोनी के सरकारी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है। मथुरा जंक्शन से 7 महीने के बच्चा चोरी करने के मामले में जीआरपी मथुरा ने खुलासा करते हुए बच्चा चुराने वाले आरोपी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग के 6 सदस्य बच्चा चुराने से लेकर उसे निसंतान दंपतियों को बेचने का काम करते थे, जबकि 2 लोग गए हैं जिन्होंने बच्चा खरीदा था। इस गैंग को डॉक्टर दंपति चला रहे थे, उन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 7 महीने के बच्चों को मथुरा जीआरपी ने एसओजी की मदद से फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित भूरे वाली गली में भाजपा की महिला पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से रविवार रात 12:30 बजे बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज में तराज सीओ राणा महेंद्र प्रताप के जमीन कब्जा दिलाने के पैसे के लेनदेन के वायरल ऑडियो को एसपी अमित कुमार आनंद ने संज्ञान लिया। उन्होंने इस मामले की जांच एएसपी सुरेश चंद्र रावत को सौंपी है। एसपी ने कहा कि सीओ के सदर सर्किल के तैनाती के दौरान का ये वायरल वीडियो ऑडियो बताया जा रहा है। तथ्यों के आधार पर जाँच की जा रही है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कुख्यात सलमान गोली लगने से घायल हो गया। 2 साथी फरार हैं। घर के अंदर छुपे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। कुछ दिन पहले सलमान ने साथियों संग किराना व्यापारी की हत्या कर दी थी। पहले चाकू से वार किया और फिर उसके बाद गोली मार दी। घायल बदमाश पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना साड़ी गेट के समर गार्डन इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। साड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला के द्वई नगर में निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से संबंधित अभियुक्त गण के थाना निसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत चौकिंग गार्डन में स्थित एक खंडहर में होने के संबंध में प्रभारी निरीक्षक निसाड़ी गेट को सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आज प्रातः 4:30 बजे के लगभग दबिश दी गई। अभियुक्त गण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में सलमान नाम का एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य 2 अभियुक्तगण मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। मेरठ के मुंडारी थाना क्षेत्र के नगमल गांव में एक परिवार को बंधक बनाकर 1 दर्जन से ज्यादा डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल मुंडारी थाना क्षेत्र के नगलामल गांव में बाबू खां का परिवार रहता है। बताया गया कि देर रात तकरीबन 20 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश यहां पहुंचे हैं। घर में रखा सारा सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए हैं। मेरठ में बैंक मैनेजर की 8 महीने की गर्भवती पत्नी और बेटे की हत्या हुई है। दोनों की हत्या कर बेड के बॉक्स में शव डाले गए थे। दोनों की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई है। महिला शिकार 5 साल के बेटे रुद्रांश की हत्या से सनसनी फैल गई। मकान में ताला लगाकर स्कूटी भी हत्यारे ले गए। हसनापुर थाना इलाके की रामलीला ग्राउंड कॉलोनी का पूरा मामला। रात के वक्त बैंक मैनेजर संदीप घर पहुंचे तो बेड में शव मिले। बिजनौर के जिलापुर PNB की शाखा में मैनेजर हैं संदीप। हत्या में किसी करीबी का हाथ होने की आशंका है। SSP रोहित सिंह सजवान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शामली के थाना आदर्श मंडी में देर रात मामले कहासुनी के चलते एसओ और दारोगा के बीच मामले कहासुनी के बाद तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसओ और दारोगा द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच क्षेत्राधिकारी के नाम को सौंप दी है। चंदौली मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी इलाके से नाबालिग बच्चों के बंधुआ मजदूरी का मामला सामने आया, जहां से सीडब्ल्यूसी और पुलिस के रेड से 21 नाबालिग बच्चे बरामद किए गए हैं, जबकि इस मामले में करीब 39 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। फिलहाल पुलिस कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि नेटवर्क कंपनी में ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों को मुगलसराय बुलाकर बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था, जिससे ट्रेनिंग के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। बरामद किए गए बच्चों में ज्यादातर बिहार और झारखंड के हैं, जिन्हें किराए के कमरों में अमानवीय तरीके से रखा गया था। घटना का खुलासा तब हुआ जब उनमें से किशोरी किसी तरह भागकर एनजीओ कर्मी तक पहुंची, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने रेड डालकर कुल 29 बच्चों को मुक्त कराया है। वहीं इस गिरोह में शामिल कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
और अब खबर गाजीपुर से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों से मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्की गई। मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले जफर उर्फ चंदा की 4 करोड़ की अचल संपत्ति पुलिस ने कुर्की है। मोहम्मदाबाद थाने के मोहम्मदाबाद कस्बे में इससे 4 करोड़ की कीमत की भूमि को SP गाजीपुर रोहन पी बोथरे के नेतृत्व में कुर्क कर लिया गया और अभी भी जो करीबी हैं उन पर एक्शन किया जा रहा है। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में विगत 2 महीने में लगभग 43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी गैंग ने की जब्त की गई है। आज हम लोग दर्जी टोला अहमदाबाद में है, यहाँ पे 0.33 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो कुर्क की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 4.20 CR के आसपास है। ये ज़मीन जो है मुख्तार अंसारी ने अपने सहयोगी जफर उर्फ चंदा के नाम पे कर दी थी, जो उसका क्लोज एड था। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। कल से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी। गणेश चतुर्थी को लेकर आगरा के बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। शहर के नामी चौराहे पर अलग अलग तरह की गणेश जी की मूर्तियां बेची जा रही हैं। खास बात यह है कि इस बार POP से ज्यादा मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड है। हालांकि अभी भी मूर्तियों को सजाने का काम जारी है। मूर्ति विक्रेताओं का कहना है कि इस बार हमारे पास 8 फीट की सबसे बड़ी मूर्ति है। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीलीभीत में दबंगों ने युवक को पीटा है, जमकर मारपीट की, उसे लहूलुहान कर दिया। युवक के पैर में चोट लगी है। मामले की शिकायत करने पहुंचे घायल उसके परिजनों को थाने बिठाने का पुलिस पर आरोप लगाया है। बच्चा चोरी की यहां पर झूठी अफवाह उड़ाई गई थी। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर लहूलुहान करने का परिजनों ने आरोप लगाया। शिवसैनिकों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने तहरीर लेकर घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। सदर कोतवाली इलाके के खकरा मोहल्ले का ही पूरा मामला। इटावा में जिला कारागार में रेप के आरोपी 10 साल से सजा काट रहे कैदी ने धारदार हथियार से अपना प्राइवेट पार्ट काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। आनन-फानन में कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया। घायल कैदी जालौन जनपद का रहने वाला है और यह जनपद से रेप के मामले में 10 साल से सजा काट रहा है। अभी कैदी जिसका नाम CT अनिल है, वो जिला कारागार से लाया गया है और बताए गए के अनुसार उसने अपने गुप्तांग को काट लिया, प्राइवेट पार्ट को काट लिया गया है। वो पेशेंट सीरियस कंडीशन में, उसका प्राइवेट ट्रीटमेंट देने के बाद रेफर कर दिया गया है और PI नज़दीकी थाना में भेज दी गई है। कौन लेके आया उसको? पुलिस द्वारा लाया गया है। सहारनपुर के शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शाकंभरी खोल में अचानक आए जलसैलाब के कारण आधा दर्जन कारें और बाइक बसें पानी में बह गई। कुछ श्रद्धालुओं ने भागकर जान बचाई, कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया है। गाड़ियों का रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कोशिश जारी है। आपको बता दें, शिवालिक पहाड़ी में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शाकंभरी खोल में पानी बहुत ज़्यादा आ गया। जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए थे वो इसमें फंस गए हैं। कईयों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, लेकिन गाड़ियाँ बहती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सहारनपुर कस्बे में बेलका पावर हाउस के पास ग्राम अब्दुल्लापुर मार्ग पर श्री झारवीर गोगाजी महाराज की लगने वाले 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन भाजपा के युवा नेता संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी और प्रमुख समाजसेवी लाखन सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले में आपसी भाईचारे तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं। सोमवार को बेलका पावर हाउस के निकट ग्राम अब्दुल्लापुर ग्राम पर स्थित श्री झारवीर गोगा महाराज पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले कमेटी के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया। कमेटी के अध्यक्ष अवनीश अग्रवाल ने बताया कि मोहल्ला महाजन स्थित सुनील कुमार कश्यप भगत के मकान में छड़ी पूजन के साथ छड़ियों की शोभा यात्रा शुरू होकर बाजार गांधी चौक जीटी रोड शाकंभरी गेट होते हुए बाबा झारवीर गोगाजी महाराज पर पहुंचेगी। मदाई के विकास क्षेत्र जगत के प्राथमिक विद्यालय डलवा शाहिदा में छात्रों का झाड़ू लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल में छात्रों द्वारा झाड़ू लगवाया जा रहा है, जिसकी किसी ने वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। गणपति बप्पा को घर लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बाजार सज चुके हैं, एक से एक मूर्तियां गणपति बप्पा की देखने के लिए मिल रही है। आगरा में चौराहों पर गणेश जी की मूर्तियां बिक रही हैं, तो वहीं मिष्ठान विक्रेताओं में मोदक बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन आगरा की एक दुकान ऐसी भी है जिसने सोने का मोदक बना डाला। इस लड्डू को बनाने के लिए भगवान गणेश की सभी पसंदीदा चीजों के साथ ही सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। सोने का मोदक लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग लड्डू को हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं तो कुछ खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं। दरअसल आगरा की शाह मार्केट पर स्थित ब्रिज रसायन नाम मिष्ठान भंडार ने सोने का मोदक बनाया। इस लड्डू के ऊपर 24 कैरेट सोने का वर्क लगा है। हालांकि सोनों के लड्डू के अंदर शहद, सूखा धनिया, बताशे, मेवा, बूंदी का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ऊपर से लड्डू पर सोने का वर्क लगाया गया है। बहुत सारी दुकानों पर ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन सोने का मोदक लड्डू सिर्फ ब्रिज रसायन पर मिलता है। इसको बनाने के लिए पूरी टीम के द्वारा मेहनत की गई है। सोने के मोदक लड्डू के एक पीस की कीमत 500 रुपए रखी गई है और एक किलो लड्डू की कीमत 16,500 रुपए है। मैनपुर में डीएम ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का संज्ञान लिया। झोरा साहब डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की है। कैंसर का इलाज करता था, कैंसर जैसी भयावह बीमारी से ग्रस्त मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था झोरा साहब। प्रतिदिन 150 की संख्या में यहां पर गैर जनपद के कैंसर रोग से ग्रस्त मरीज पहुंचते थे। प्रत्येक मरीज से यहां पर 3-4 हज़ार रुपये वसूले जाते थे। थाना बिछवा के गांव दुल्हापुर खीरिया का ही पूरा मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी जिले के दौरे पर रहे। श्रीनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष श्रीनगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ वार्ता कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की बात कही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।